कैसे हैं भगवान? वेद व्यास जी कहते हैं भगवान सत्चित आनंद, सच्चिद आनंद, ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। देखिए संसार जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, संसार जो हमें दिख रहा है, यह संसार दिखता हुआ भी सत्य नहीं है। कैसे? अब आप कहेंगे महाराज जी ये जो दिख रहा है वो सत्य कैसे नहीं है? हाँ, कई बार जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। हाँ, अभी आपने कभी अपने जीवन में देखा होगा जब जादू का खेल दिखाने वाला आता है ना जादूगर, तो वो रस्सी का सांप बना देता है, पैसों को प्रकट कर देता है। हाँ, मिट्टी को, धूल को वो कुमकुम रोली बना देता है अपनी जादू से। आपने भी बहुत सारे जादू देखे होंगे। और जब उसका जादू पूरा हो जाता है ना, तो एक कटोरा उठाता है और जहाँ वहाँ खड़े हुए समस्त लोगों से दो दो रुपए की याचना करता है, भाई हमें दे दो, हमें दे दो। उस जादूगर से प्रश्न किया जाए कि भाई आप तो पैसे बना लेते हैं, खड़े खड़े आपने गड्डियाँ निकाल दी, फिर आप खेल पूरा होने के बाद दो दो पाँच पाँच रुपये क्यों मांग रहे हैं? तब जादूगर कहता है कि हमारा जो खेल था वो सत्य नहीं था, जो दिख रहा था वो सत्य नहीं था, और जो सत्य था वो दिखाई ही नहीं पड़ा। उसी तरह ये संसार दिख रहा है, बहुत सुख दिखता है ना संसार में। हाँ, जब लोगों के पास काम बहुत था तब लगा कि थोड़ा सा आराम कर लेते, थोड़ा सा आराम कर लेते, बहुत थक गए हैं, बहुत आराम कर लेते। और जब चार महीने का लॉकडाउन हुआ, जब सबको आराम मिला तो सबको लगा नहीं नहीं अब थोड़ा लॉकडाउन खुलता तो काम कर लेते, काम कर लेते, काम कर लेते। इसका तात्पर्य यह है कि जब आप काम में व्यस्त थे सुख तब भी नहीं था, और जब बिल्कुल फ्री हो गए सुख तब भी नहीं था, और आप फिर से काम में लग जाएंगे तो सुख तब भी नहीं रहेगा। तो सत्य क्या है? सत्य यह नहीं है जो दिख रहा, ये संसार जो हो है, दिख रहा है जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। हाँ, भगवान की माया है ये, जो दिख रहा है बिल्कुल सत्य नहीं है। यद दृष्टम तद नष्टम, संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाली है, इसलिए इसे सत्य नहीं कहा गया। फिर सत्य कौन है? बोले सत्य स्वरूप परमात्मा। उमां कहां हूं मैं अनुभव अपना, उमां कहां हूं मैं अनुभव अपना, सत्य जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कह रहे हैं माँ जगत जननी जगदम्बा से कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत्य केवल ईश्वर का भजन है, बाकी सब सपना है। जो दिख रहा है क्या? ये स्वप्न है। देखा हूँ स्वप्न अनेक प्रकार। जब हम सोते हैं ना तो कभी कभी सपने में राजा बन जाते हैं, सोते हैं तो कभी कभी हम सपने में बहुत अमीर हो जाते हैं, सोते हैं तो हम सपने में कभी कभी ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। पर सपना तब तक ही है जब तक आँख बंद है, आँख खुली तो सपना भंग। उसी प्रकार जैसे आँख खुलते ही स्वप्न टूट जाता है, ऐसे ही जिस दिन हम सबकी आँखें सदा सदा के लिए बंद होंगी ना, उस दिन हमारा ये सपना भी टूट जाएगा कि ये मेरा था, ये मेरा था, ये मे हम पूरी जिंदगी केवल एक ही गाना गाते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पर आखिरी समय जाते वक्त कौन अपना? कोई नहीं, केवल एक गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, केवल यही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए ईश्वर को सत्य कहा गया, ईश्वर सत्य है।